अंतर पता कर लीजिए, होता है ना ऊपर में, हाँ वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सीढ़ी है, करके वहाँ पे एकदम लास्ट में रेंट बचेगा, पचास का सत्तर का लेता है। ठीक है गाइस, अंबिकापुर रात में ऐसा दिखता है, और दो कोई लग्जरी बस है। रात मुझे यही निकालना है, तो ये सब चमकदार बस दिख रहे हैं। दो होटल में घुमा, सब खत्म हो गए, अभी आया हूँ एक होटल में, तो अरेंज करके देने वाला है, बोल रहे हैं जो भी है खा लेते हैं। सिर्फ दाल चावल और एक सब्जी मिला है, बस इसी को खाते हैं और सो जाते हैं। इतने सारे बस लगे हुए हैं, लेकिन कौन सा बस छोड़ेगा, आइडिया नहीं। ये यहाँ पर, और खाना मैंने रात में यहाँ पे खाया था, जो कि रात में दिखा नहीं पाया। 50 रुपये प्लेट। तो गैस रात में यहाँ रुका था, ये रेंट बसेरा है यहाँ से ऊपर, और यहाँ से अंदर मैंने रेस्ट लिया हुआ था 70 रुपये में। रात में कुछ दिखा नहीं पाया, दिन में ऐसा है। ये 2 नंबर वाली बेड मेरी थी, जो लेडीज लोग ले है। यहाँ से निकलते समीम बस लगी हुई है, तो अपना सामान सब रख देते हैं वहीं पे। गुड मॉर्निंग गाइस, और ये है समीम की बस, जो 6 बजे निकलेगी अंबिकापुर से, और ये गोरिया कपा होके घुसेगा कुनकुरी लास्ट स्टॉप। तो अभी इसका टिकट फाड़ दिए हैं और निकलते हैं, ये 6 बजे निकलेगी, अभी 5:30 हो रहा है। ये सुबह 5 बजे का नज़ारा, ओल्ड रास्ता था, ओल्ड रास्ता बंद हो गया, अभी सिर्फ सीधा सीधा किया है इसको। गाइस अभी पहुंचे हैं बगीचा, और बगीचा का मौसम बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सालों बाद ये बगीचा बस स्टैंड, यहाँ पे बस ज़्यादा देर रुकती नहीं है, इसलिए फटाफट ये लेके खा रहे ले। अच्छा है, गर्मा गर्म 8 बज गए। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, और कितना टाइम लगेगा पता नहीं। घर आ गया, लेकिन मैं जाके कपा में उतरूंगा अभी। भाई ये कपा घुस गया अभी, मेरे को लगा था बाहर चौक पे छोड़ देगा करके।
सामान तो उतर गई है और गाड़ी भी घर तक छोड़ दी है। अब यहाँ से कपा जाएंगे, कपा तो नज़दीक ही है, बच गया बारिश में।